धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं। परिवार है उनका, पारिवारिक व्यवसाय का ये पैसा है, अगर उसके बारे में अभी कोई आधिकारिक सूचना या कोई रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है, और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से जैसी भी ये रिपोर्ट आती है उसके बाद में धीरज साहू जी इसके बारे में स्पष्टीकरण देने को उनको कहा। अनपेक्षित नतीजे आए हुए हैं और उसमें पार्टी समीक्षा भी कर रही है, जनता ने जो भी निर्णय लिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और आने वाली लोकसभा में उन कमियों को पूरा करते हुए कैसे हम लोकसभा में विजय हासिल कर सके उस प्रकार की रणनीति। कांग्रेस में जो शीर्ष के नेता है उनकी परिवर्तन की बात हो रही, और ये सवाल खुद जो कांग्रेस के पुराने नेता फुरकान अंसारी हो, चाहे वो बंदी तुर्की जो कि कार्यकारी अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन के बाद में जो भी है वो आलाकमान वो करता है। भारी अविनाश पांडे है, नमस्कार। आज सुबह सुबह रांची पहुंचे सर, सबसे पहले तो कि जिस तरीके से धीरज साहू सांसद जी के पास जिस तरह से कैश बरामद हो रहे हैं, अब छापेमारी जारी है, बीजेपी सर इसको बता रही है कि इतने पैसे कहां से आए, पूछ रही है कि पैसे किसके हैं, जवाब देना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण कर रही है ये उचित नहीं है। धीरज साहू जी का ये संयुक्त परिवार है, उनका पारिवारिक व्यवसाय का ये पैसा है, अगर उसके बारे में अभी कोई आधिकारिक सूचना या कोई रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है, और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से जैसी भी ये रिपोर्ट आती है उसके बाद में धीरज साहू जी इसके बारे में स्पष्टीकरण देने को उनको कहा। सर ये डाउन कर लीजिए ना, चलो साथ में कौन है। देखिए ये अनपेक्षित नतीजे आए हुए हैं और उसमें पार्टी समीक्षा भी कर रही है, जनता ने जो भी निर्णय लिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और आने वाली लोकसभा में उन कमियों को पूरा करते हुए कैसे हम लोकसभा में विजय हासिल कर सके उस प्रकार की रणनीति हम तैयार करें। झारखंड कांग्रेस में जो शीर्ष के नेता है उनकी परिवर्तन की बात हो रही, और ये सवाल खुद जो कांग्रेस के पुराने नेता फुरकान अंसारी हो, चाहे वो बंदी तुर्की जो कि कार्यकारी अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन के बाद में जो भी है वो आलाकमान वो करता है, ऐसी कोई बात नहीं। सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अभी भी जो है आरपीएन सिंह के पिच पर खेल रही है। देखिए जितने भी मीडिया में और हमारे विपक्ष द्वारा जिस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है, और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है इसके ऊपर में, जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसके बाद में जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा, उसके बाद में धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, और पार्टी भी जानना चाहेगी, और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी इस प्रकार की कोई भी चीज़ों में ये दुर्भाग्यवश है कि एक व्यक्ति जो कि 100 साल से भी ज़्यादा जिसका यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, यहाँ चला रहा है, और उनके ये परिवार का संयुक्त ये व्यवसाय है, उसमें धीरज साहू जी उसके एक अंग हैं, उसके एक पार्टनर हैं, एक जुड़े हुए सदस्य हैं, और इसके बारे में पूरे परिवार का जो कोई भी बयान और स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन विशेष रूप से धीरज साहू जी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि इतनी बड़ी रकम उनके पास में कैसे आई, लेकिन पहले इनकम टैक्स का सही रूप में एक बयान आना चाहिए, उनका कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए कि वास्तविकता में ये कैश कितना है और कहाँ से आया, उसके ऊपर में आगे कहें। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद आप पहुंचे हैं, आपके कई मंत्री जो है छत्तीसगढ़ राजस्थान में हारे हैं, तो झारखंड में निश्चित रूप से ये दुखद है, और इसका हमारे अपेक्षा अनुसार ये नतीजे नहीं आए, लेकिन जनता ने जो भी हमें जो समर्थन दिया उनका हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में और लोकसभा के चुनाव की तैयारी और जोरों से की जाएगी, इतना ही मैं कहता हूं।
share, and subscribe.